नमस्कार, मैं हूं निशा राठौड़ और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की खास हेडलाइंस पर। बाड़े में छिपे दो कुख्यात अपराधियों को कपासन पुलिस ने दबोचा। हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों में कर चुके हैं वारदातें। कई मामलों में वांछित चल रहे थे ये बदमाश। पैंथर गैंग के दो बदमाशों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद गोर्धन विलास थाने में फैली सनसनी। 9 पुलिस कर्मियों के लिए सैंपल, सभी हुए क्वारंटाइन। श्वेतांबर जैन मुनि और साध्वी सदियों से पहनते हैं मास्क और चतुर्मास में रहते हैं क्वारंटीन। जीव हत्या और जीवाणु के शरीर में प्रवेश को रोकना ही रहा था उद्देश्य। एकलिंगर छावनी की पहाड़ी पर मिला 3 दिन से लापता वृद्ध का अर्जला शव। साइकिल और पर्स नहीं मिलने से लग रहा है हत्या का अंदेशा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी पुष्टि। और स्मार्ट सिटी की भेड़ चाल से परेशान बापू बाजार व्यापार संघ ने रुकवाया काम। अधिकारियों ने की आखिरी अपील और दे 2-3 दिन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दबंग थाना अधिकारी हिमांशु सिंह की एक और सफलता की। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र में 2 दिन से छिपे हार्डकोर अभियुक्त को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। दोनों ही बदमाश गोराजी का निम्बाड़ा गांव में रहने वाले एक युवक के बाड़े में मंगलवार से रह रहे थे। सूचना मिलते ही कपासन थाना अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते मौके पर पहुंचा और दोनों बदमाशों को धर दबोचा। संदिग्ध दिखने पर बदमाशों से पूछताछ की और पता चला कि हरियाणा और उत्तर राजस्थान के कई शहरों में इन्होंने वारदातें कर रखी है, जिसमें लूट, हत्या, रंगदारी सहित संगीन अपराधों के मामले दर्ज है। दोनों ही बदमाश कई मामलों में वांछित भी चल रहे थे। थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर गांव में रहने वाले नानूराम जाट के यहां 2 युवक आए हैं जो संदिग्ध लग रहे हैं। इस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बाड़े में दबिश दी तो बदमाश पुलिस से झगड़े पर उतारू हो गए। दोनों को दबोचने के बाद पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इन युवकों ने कई वारदातों में शामिल होना बताया। इस संबंध में थानों में जानकारी ली गई तो पता चला कि बदमाश कई अपराधों में वांछित भी है। ये दोनों ही आरोपी जिस नानूराम के बाड़े में छिपे थे, पुलिस उससे भी कड़ी पूछताछ कर रही है। 1 जुलाई 2020 को थाना कपासन से मैं थानाधिकारी तथा मेरी टीम श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान, जिसके अंदर वांछित अपराधियों की धरपकड़ तथा संपत्ति संबंधी अपराधियों की पूछताछ के लिए जब थाने से निकले तो थाना क्षेत्र के ही गांव गोराजी का निम्बाड़ा, उसके अंदर सूचना मिली कि 2 व्यक्ति कोई बाहरी है और संदिग्ध हैं जो गांव में आए हुए हैं। इसके आधार पर जब हम बस स्टैंड पहुँचे तो बताए गए हुलिये के अनुसार ही हमको 2 व्यक्ति मिले। उन्हें हम रोक के पूछताछ करते, उससे पहले ही वो नानूराम झाट के बाड़े में जाके छुप गए। मैं और मेरी टीम ने बाड़े को घेर करके हमने उन लोगों को पकड़ा, उनसे पूछा, उनके भागने का कारण पूछा। तब वो पुलिस से झगड़ा करने पर उतारू हुए। उसके आधार पर नानूराम तथा उक्त दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी करने के पश्चात जब थाने पर लाए तब उनसे पूछताछ की तो पता चला कि ये हरियाणा और पंजाब तथा उत्तर राजस्थान के कई क्षेत्रों में कई संगीन वारदात कर चुके हैं तथा इनके कई स्टैंडिंग वारंटी है। और सुबह जब जैसे जैसे पता चला तो वहाँ की हरियाणा की जो पुलिस टीम है वहाँ के फतेहाबाद ज़िले की, वो और जो इनकी जो क्राइम इंटेलिजेंस की टीम है CIA तथा हनुमानगढ़ ज़िले से कई थानाधिकारियों के फ़ोन भी आए, जिन्होंने ये हमें अवगत कराया कि ये व्यक्ति हमें कई जगहों पर वांछित है। पूछताछ में बताया कि ये 2 व्यक्ति हैं, जिसमें एक मंजीत जाट है और दूसरा वेद प्रकाश है। ये दोनों ही कई मामलों में वांछित होकर के ज़्यादातर करीब 15 से 16 पेट्रोल पंप की लूट और डकैती की वारदातों में ज़्यादा संलिप्त हैं तथा मंजीत जो है वो 18 साल से ही क्राइम के अंदर है और अभी उसकी 24 साल की उम्र है। इस 6 सालों के अंदर करीब उसके 26 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके अंदर 3 हत्या हैं, रंगदारी है और एक्सट्रोशन के केसेस काफ़ी हैं। तो इनसे अभी पूछताछ जारी है। इनसे एक फॉर्चुनर गाड़ी भी बरामद की गई है, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और संबंधित पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड प्राप्त करके और उनसे बातचीत की जा रही है। सर, यहाँ स्थानीय भी किसी से संपर्क होने की सूचना है क्या इन लोगों? हाँ, स्थानीय जिस व्यक्ति के बाड़े में जो छुपे थे और जहाँ उसकी गाड़ी को हमने दस्तयाब किया है, उस नानूराम जाट को भी हम लेके आए हैं और उससे भी पूछताछ जारी है कि इनका नानूराम जाट का उन लोगों से कैसे कनेक्शन है,
इनके यहाँ आने के क्या कारण रहे उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में केंद्र सरकार ने पूरे देश में मास्क लगाने की अनिवार्यता की है, लेकिन जैन समाज में मुख वस्त्रिका के रूप में मास्क लगाने की परंपरा लगभग 300 वर्ष पुरानी है। मुंह पर वस्त्रिका लगाकर जीवाणु के एक से दूसरे व्यक्ति में आदान प्रदान पर रोकना ही जैन समाज का उद्देश्य रहा है। हवा में फैले जीवाणु मुंह के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं, ऐसे में जीवाणु की हत्या का पाप लगता है और इस पाप से बचने के लिए श्वेतांबर जैन समाज के संतों ने करीब 300 वर्ष पहले ही मुंह पर मास्क की तरह मुख वस्त्रिका लगाने की परंपरा शुरू की। मुंह पर मास्क की तरह लगाई जाने वाली इस वस्त्र की परंपरा का उल्लेख जैन आगम में भी शामिल मिलता है। 17वीं शताब्दी की सदी के दौरान मुख्य क्रांतिकारी विचारक लोकाशा की प्रेरणा के साथ ही मुंह पर पट्टी लगाने की परंपरा शुरू की गई थी और उसी तरह जैन समाज के साधु साध्वी इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। उदयपुर में चतुर्मास कर रही जैन साध्वी मंजिता श्री बताती है कि परंपरा के रूप में मुंह पर बांधी जाने वाली पट्टी का उद्देश्य सदियों पहले से ही जैन समाज समझ चुका था और उन्होंने जीव हिंसा को रोकने और जीवाणु के शरीर में प्रवेश को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की थी। श्वेतांबर जैन संप्रदाय के अमूर्ति पूजक व स्थानक वासी और 13 पंथी समाज के लोग अपने संतों के मार्गदर्शन में इस पट्टिका को लगाना अपनी परंपरा बना चुके हैं। मुंह पर मास्क की तरह बांधी जाने वाली यह पट्टिका 4 इंच चौड़ी और 4 इंच ही लंबी होती है। प्रमुख जैन संत आचार्य महाश्रवण ने भी अपने उपदेशों में हवा में सूक्ष्म जीवों की रक्षा करने के लिए मुख वस्त्रिका को लगाने का जिक्र किया था। यही नहीं, जैन संत बारिश के मौसम में 4 महीने तक चतुर्मास के चलते एक ही जगह पर रहते हैं। वर्तमान में क्वारंटाइन शब्द चर्चा में है, इसके तहत एक ही जगह पर रहकर निश्चित समय गुजारना पड़ता है। ऐसे में जैन समाज के संत चतुर्मास के तौर पर 4 महीने तक एक ही जगह पर रहते हैं और उनका प्रमुख उद्देश्य बारिश में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों की हत्या को रोकना है। जैन संतों का मानना है कि बारिश के रास्ते कई और सूक्ष्म जीव पनपते हैं और यदि उस रास्ते पर चला जाए तो उनकी हत्या हो सकती है, इसलिए वह स्वयं अपने आप को 4 महीनों के लिए एक ही जगह पर रखते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। मैं कोरोना वायरस के संदर्भ में कुछ संदेश देना चाहूँगी। कोरोना वायरस ने सारे विश्व को संक्रमित कर रखा है, इससे बचने के लिए इसके संक्रमण से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने मुंह पर मास्क लगाना चाहिए और इसी मास्क को हमारे भगवान महावीर स्वामी ने सदियों पूर्व हमारे को मुखवस्त्रिका के लिए सबको बताया और आज इसी राह पर सारा विश्व चल रहा है। सभी मुंहों के ऊपर मुंह पट्टी बांध रहे हैं। तो भगवान महावीर ने पहले ही कहा कि हमें जो है हम मुंह पट्टी लगाते क्यों हैं, आपके मन में जिज्ञासा होगी। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह में ना जाने कितने असंख्य जीव जो हमें दिखाई नहीं देते वो मर जाते हैं, और हम जब मुंह पर मास्क लगाते हैं मुखवस्त्रिका लगाते हैं तो वो सूक्ष्म जीव जो सामने वाले के हैं वो हमारे को संक्रमित नहीं कर पाते और हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो दूसरे को संक्रमित नहीं कर पाते। मुखवस्त्रिका जो है जीव रक्षा के लिए है, इसका उद्देश्य यही है कि हम जो हैं दूसरे से संक्रमित ना हों। और इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर उदयपुर में अम्बा माता सकीम महावीर स्वाध्याय केंद्र के अंदर हम चातुर्मास करने के लिए आए हैं। 5 महीने हम यहीं पर रहने वाले हैं और इसके साथ साथ जो है हम धर्म आराधना भी कराएंगे, लेकिन अभी जैसे सरकार की व्यवस्था होगी उसके हिसाब से प्रवचन रखा जाएगा। जब तक सरकार के आदेश नहीं होते तब तक प्रवचन यहाँ पर नहीं होगा। तो अपने घरों में रह करके ही सब इस कोरोना वायरस से बचने के लिए शांतिनाथ भगवान का स्मरण करें, क्योंकि शांतिनाथ भगवान का नाम लेने से ही इस आपदा से विश्व को शांति मिल सकती है, विश्व के अंदर जो है सुख चैन और अमन हो सकता है। कोरोना वायरस से बचें, एक दूसरे के संक्रमण से बचें, 3 फीट की दूरी को बना करके रखें और सभी जो है आनंद के साथ रहें, तभी इस विश्व के अंदर सुख शांति बनी रहे। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाने में 9 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। हाईवे पर लूट की साजिश रचते हुए पैंथर गैंग के जिन अपराधियों को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया था उनमें से कोरोना जांच की रिपोर्ट में 2 आरोपी पॉजिटिव आए हैं।
ऐसे में गौतम विलास थाना पुलिस को एहतियात बरतते हुए आरोपियों के संपर्क में आए 9 पुलिस कर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले हाईवे पे लूट की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सभी आरोपियों को जेल भेजने से पहले उनकी कोरोना जांच करवाई गई तो 2 बदमाशों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आरोपियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस कर्मियों में भी भय व्याप्त हो गया। मेडिकल टीम ने संपर्क में आए पुलिस कर्मियों के सैंपल कलेक्ट कर कोरोना जांच के लिए भेज दिए हैं और एहतियात के तौर पर सभी 9 जवानों को क्वारंटाइन कर दिया है। इस वजह से तो हो गई है। हाँ जी, जैसा कि आपको विदित है, कल उदयपुर शहर में पीटीएफ के तहत 3 कार्रवाइयाँ की गई थी। रेशियावृत्ति और देह व्यापार की रोकथाम के क्रम में एसपी साहब के निर्देशन अनुसार 3 टीमें बनी थी। तीनों ही मामलों में थानाधिकारी घंटाघर, धानमंडी और सूरजपोल उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। आज सभी आरोपियों की पुलिस रिमांड लेकर के आगे की पूछताछ की जाएगी। जो लड़की उज्बेकिस्तान की है तो एम्बेसी में सूचना दे दी गई है, उसके बारे में भी क्लियर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि वो कब से हिंदुस्तान में है और उदयपुर कब से आई है और किस किस के संपर्क में है, तो सभी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। इसके अलावा जहाँ 2 मुलजिम पॉजिटिव आए हैं गोल्डन ब्लास्ट के, तो उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जा रहा है। आइसोलेशन वार्ड की जो गार्ड है उसे भी क्वारंटाइन करा करके चेंज की जाएगी और गोल्डन ब्लास्ट थाने पे भी जो स्टाफ उनके संपर्क में आया था उन्हें क्वारंटाइन रखकर उनका टेस्ट वगैरह करवाया जाएगा ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो क्लियर हो जाए। शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में पहाड़ी पर एक वृद्ध का अजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। सेक्टर 13 स्थित एकलिंगगढ़ छावनी के ऊपर की पहाड़ी पर मिले शव की पुष्टि 3 दिन से लापता चल रहे मांगीलाल मेघवाल के रूप में हुई है। मृतक मांगीलाल आरसीए के पियोन पद से रिटायर्ड हुए थे और सेवानिवृत्ति के बाद भी वहीं पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे मांगीलाल के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। परिजनों ने 29 जून को मृतक मांगीलाल मेघवाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट गोवर्धन विलास थाने में लिखाई थी। वहीं उदयपुर न्यूज ने भी अंतिम बार सीसीटीवी कैमरे में साइकिल पे नजर आए मांगीलाल की जानकारी साझा की थी। पुलिस और परिवार के काफी प्रयासों के बाद भी मांगीलाल मेघवाल की कोई सूचना नहीं मिली। सुबह सुबह लाश मिलने की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर एफएसएल की टीम भी पहुंची और आसपास के सैंपल लिए। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शव 3 दिन पुराना है। एफएसएल की टीम सभी तरह की जांच कर ली है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मांगीलाल की मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने हर पहलू से जांच शुरू कर दी है। खबर लिखे जाने तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ सकी, लेकिन जिस पहाड़ी पर मृतक का शव मिला है उस पर इस उम्र के वृद्ध का पहुंचना मुश्किल ही लग रहा है। इसके साथ ही अजला शव मिलने से हत्या के संकेत भी दे रहा है। वैसे रिटायर्ड मांगीलाल की किसी से दुश्मनी नहीं थी। पर्स और साइकिल नहीं मिलने से अनुमान लगाया जा रहा है कि लूट की नीयत से नशेड़ियों ने वारदात को अंजाम दिया होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूरजपोल थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पे सुबह एसएचओ साहब को सूचना मिली थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति की लाश यहाँ पे पड़ी है। जंगल का एरिया पहचान कराई गई थी। गोल्डन ब्लास्ट निवासी श्री मांगीलाल जी मेघवाल की डेड बॉडी है, उनके परिजनों ने पहचान की है और 29 जून से ये गोल्डन ब्लास्ट क्षेत्र से अपने घर से गुमशुदा थे। गुमशुदगी भी गोल्डन ब्लास्ट थाने में डाली हुई है। ये यूनिवर्सिटी में पियोन का काम करते थे, रिटायर होकर वापस संहिता पर सेवाएँ दे रहे थे। डेड बॉडी की प्रथम दृष्टिया एफएसएल को ही बुला लिया गया है, पीएम भी करा दिया जाएगा। घर वालों ने फिलहाल कोई ऐसी रंजीश या ऐसी कोई बात बताई नहीं है। क्योंकि पोस्टमार्टम से जो भी स्थिति होगी क्लियर कर ली जाएगी। अलामत आसपास देखने से 3 दिन पुरानी लाश है ये लगभग। पोस्टमार्टम से और सारी स्थिति क्लियर है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको और भी खबरों से रूबरू कराएंगे।
आखिर क्यों जाए अहमदाबाद, देखना ना भूले उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम 11 जुलाई को सुबह 11 बजे। रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल, एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू 10th क्लास। डेडिकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर, होमली एनवायरमेंट, इंडिविजुअल अटेंशन, स्टूडेंट फ्रेंडली लाइब्रेरी, वेल लाइटेड एंड इको फ्रेंडली स्कूल बिल्डिंग, एयर कंडीशनर प्री प्राइमरी क्लासरूम्स, डिजिटल क्लासरूम्स विद प्रोजेक्टर्स, स्पेस अवेलेबल फॉर इंडोर एंड आउटडोर गेम्स ड्यू टू कोरोना पैनडेमिक, डेली सैनिटाइजेशन ऑफ क्लासरूम्स, इन एवरी क्लासरूम टच फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर अवेलेबल, सिटिंग अरेंजमेंट विद प्रॉपर डिस्टेंसिंग, सीसीटीवी सर्विलेंस बाय मैनेजमेंट, अफोर्डेबल एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल, पेरेंट सेटिस्फेक्शन आर आवर मोटो। रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुआना, उदयपुर। कॉल 8-0294-298-0041। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 0294-2426-838। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में, ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA द फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट द बैचलर्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिग्री इन एविएशन एंड टूरिज्म विद 100% जॉब प्लेसमेंट इन द लीडिंग एयरलाइंस of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231-44442. 8107-392702. Website www.ahaudaipur.com. शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस, ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरण नगरी, उदयपुर। कॉल 9660-733-167।
job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. Ample opportunities, recession-free and ever-growing career industry. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शहर की धड़कन कहे जाने वाले बापू बाजार में धीमी गति से चल रहे स्मार्ट सिटी के काम में अब व्यापारियों का रोष व्याप्त होने लगा है। इसी के चलते गुरुवार को व्यापार संघ से जुड़े सदस्यों ने काम को रुकवाया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अपनी पीड़ा बताते हुए व्यापारियों ने कहा कि कई दिनों से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द काम पूरा किया जाएगा। पहले तो कोरोना की महामारी के चलते व्यापार ठप था, वह समय जैसे तैसे निकल गया, लेकिन इस काम को देखकर तो यही लग रहा है कि काफी समय तक सिर्फ धूल ही फाकनी है। दुकान खोलते भी हैं तो ग्राहक नहीं आते, आती है तो सिर्फ धूल, जिसे दिन भर साफ करना ही हमारा काम रह गया है। स्मार्ट सिटी के इंजीनियर बार बार यह आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द काम को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी कुछ काम होता नजर नहीं आ रहा है। कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि मौके पर आकर देख तक नहीं रहा है। अभी बरसात का मौसम आ गया है, ऐसे में जल्द काम निपटाने की बात भी बेमानी सी लगती है। करीब 4 से 5 घंटों तक चले प्रदर्शन के बाद स्मार्ट सिटी के अधिकारी प्रदीप सिंह सांगावत मौके पर पहुंचे और 5 जुलाई तक काम पूरा करवाने का आश्वासन दिया। हालांकि 3 दिन में बापू बाजार की सड़क का काम पूरा होना असंभव सा लग रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बापू बाजार जो हृदय कहने वाला उदयपुर शहर का हृदय कहने वाला बाजार की स्थिति ये हो रही है कि L&T किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रही है। बार बार आश्वासन देने के बाद भी किसी प्रकार का कोई यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। ये कार्य लॉकडाउन से पहले 20 तारीख को चालू हुआ था, 20 मार्च को। उसके बाद में लॉकडाउन के अंदर भी 1 महीने तक इन्होंने काम किया। जब अनलॉक हुआ 8 तारीख तक, वो व्यापारी सब अपनी दुकान पर आए, उन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोली तो देखा कि L&T का किसी प्रकार का कोई भी 20% भी कार्य नहीं हुआ था। फिर L&T के अधिकारी, इंजीनियर्स, यहाँ पे कार्यरत ठेकेदार सबसे मीटिंग करी तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपका संपूर्ण कार्य 25 तारीख तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी 25 तारीख के आने बाद भी कोई काम नहीं हुआ है। उसके बाद में उन्होंने फिर बाद में मीटिंग करी, सब चीज़ें करी, उनको यहाँ तक भी बोला था कि हम अपना बाज़ार 10-15 दिन के लिए और बंद कर देते हैं, आप अपना कार्य पूरा कर दें। तब भी उन्होंने बोला कि नहीं, हम दुकानें आप खोल लीजिए, हम आपको 25 तारीख तक कार्य कंप्लीट करके दे देंगे। लेकिन उसमें कोई भी कार्य 20% से 50% पर भी नहीं पहुंचा। फिर उन्होंने बोला हमको 1 तारीख को कर देंगे, 1 तारीख के बाद में फिर वो बोल रहे हैं 7 तारीख को कर देंगे। अभी भी ये स्थिति आ रही है कि यहाँ पर पे 70% कार्य अभी बाकी है। तो इस प्रदर्शन के माध्यम से हम उनके अधिकारी तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे कार्य को जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 7 तारीख तक जल्द से जल्द कंप्लीट करें, नहीं तो इसके बाद में व्यापारी इससे और आगे उग्र प्रदर्शन के लिए तैयार है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के बाद 3 महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद हमने 8 तारीख को अपने व्यापार सभी ने चालू किए बापू बाजार में। लेकिन हमारा व्यापार चालू होना नहीं होना एक तरह से बराबर था, क्योंकि हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है पूरे बापू बाजार में, पूरा बापू बाजार खुदा हुआ है। तो इसके बाद जब हमने अपना व्यापार शुरू किया तो हमने L&T के अधिकारियों से बात की, ठेकेदारों से बात की, और हमने उनसे आगे चल के कहा कि अगर आपका काम हमारे प्रतिष्ठान बंद करने से अगर स्पीडअप होता है तो आप हम अपने प्रतिष्ठान 10-15 दिन और बंद करने के लिए तैयार हैं। इस पर उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि नहीं, आप अपने प्रतिष्ठान खोलिए और हम अपना काम स्पीड से करेंगे। उन्होंने 25 तारीख का हमको आश्वासन दिया था। फिर 22 तारीख को हमने फिर उनसे मीटिंग की, फिर हमको आश्वासन दिया, फिर 25 तारीख को फिर मीटिंग की, फिर आश्वासन दिया। 25 तारीख को हमको आश्वासन मिला 1 तारीख का, फिर वापस 1 तारीख को हमने मीटिंग की, हमको आश्वासन मिला 7 तारीख का। और आज की वास्तु स्थिति देखते हुए, जो बाजार की स्थिति है, तो अभी देखते हुए भी ये लग रहा है कि 70% काम इनका और बाकी है। तो 7 तारीख तक क्या, मैं समझता हूँ अगली 30 तारीख तक इनका ये काम पूरा होता हुआ दिखता नहीं है। तो इस तरीके से मतलब व्यापारी बहुत परेशान है। 3 महीने का लंबा लॉकडाउन, उसके बाद व्यापारियों का यहाँ व्यापार नहीं, तो व्यापारी तरह तरह की परेशानियाँ व्यापारियों को है। तो इसी समस्या तो आपके सामने ही है, आप देख रहे हैं। जैसे काम चालू हुआ है 6 जून से दुकानें खुली है, अभी उसके अंदर कार्य के अंदर कोई प्रगति नहीं हुई है। बार बार उनको टेलीफोन करते हैं, 2 दिन काम चलता है, उसके बाद यथावत स्थिति रहती है। और नगर परिषद के कोई भी चेयरमैन वगैरह आज तक बाबू बाजार में सर्वे करने नहीं आया है,
कि क्या पोजीशन हो रही है, बाजार में बैठे हैं, शमशान घाट में बैठे हैं, मतलब उनकी जो इक्विपमेंट्स हैं इतने छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं वो काम ही नहीं करते हैं, और परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं है। हम आपसे निवेदन करते हैं उनको बुलाओ और हमारी ये जो परेशानी है वो दूर करो। मेवाड़ में मानसून की धीमी गति से चलने से इन दिनों खासो आम को भारी उमस का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर पसीने से लथपथ जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो 10 जुलाई के बाद मानसून मेवाड़ संभाग में आ सकता है और अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि मानसून का पहला दौर खत्म हो चुका है, लेकिन मेवाड़ क्षेत्र में मानसून की बेरुखी रही है। गर्मी से सभी का हाल बेहाल है। मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर NS राठौर ने उदयपुर न्यूज को बताया कि पश्चिम दिशा से चलने वाली तेज हवाओं के कारण मानसून का पहला सत्र खत्म हो गया है, लेकिन अरब सागर में मानसून के बादल बनने से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से आने वाली 10 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मानसून का दूसरा सत्र मेवाड़ के लिए अच्छा साबित हो सकता है। वैसे इस बार मेवाड़ को औसत बारिश की ही जरूरत है, क्योंकि झीलों का जल स्तर हर बार की तरह काफी ऊपरी लेवल पर है। ऊपरी इलाकों में 2-3 मूसलाधार बारिश से ही इस बार झीलें लबालब हो जाएगी। मानसून का पहला दौर आके खत्म हो गया, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बार यद्यपि जून के अंदर पश्चिम विक्षोभ पश्चिमी पवनें चलती है, जिसको पछुआ पवनें के रूप बोलते हैं, इस पछुआ पवनों की वजह से ये मानसून बिल्कुल ख़त्म हो गया, और अब लगभग एक वीक बाद में आपकी 10 तारीख के बाद में मानसून बनने के जो आसार बनते हैं, उसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अंदर मानसूनी बादल यद्यपि है, लेकिन जो ट्रफ एक पावरफुल ट्रफ बनना चाहिए, शक्तिशाली ट्रफ, वो शक्तिशाली नहीं बनके बहुत ही कम ट्रफ है। उसी वजह से लगभग पिछले 3 दिन से पूरे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ भागों के अंदर मानसून की बारिश नहीं हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि वापस सिस्टम बनता है तो 10 तारीख के बाद में मानसून का दूसरा दौर शुरू होने की संभावना है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम मंदिर की भूमि पूजन के लिए प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी से जल और मिट्टी ले जाई गई। आपको बता दें कि भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से समग्र भारत देश के पवित्र स्थानों से जल व मिट्टी इकट्ठा करने का कार्य कई महीनों से किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी भी पहुंचे और जगत जननी मां अंबे के दर्शन कर पवित्र मिट्टी व सरस्वती नदी का पवित्र जल भी लिया। इस दौरान अंबाजी मंदिर के ट्रस्ट की ओर से शगुन के रूप में एक चांदी का सिक्का भी दिया गया। वहीं इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि देश के सभी प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों से मिट्टी व जल इकट्ठा किया जा रहा है, जो अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन में काम में लिया जाएगा। અને પવિત્ર માટી લઈ ગયા છે અને એક યંત્ર બનાવી દીધું, એટલે યંત્ર પણ લઈ ગયા છે કે ત્યાં આગળ ભૂમિની શુદ્ધિ થાય, કોઈ પણ જાતનું વિઘ્ન ન આવે, અને માતા એટલે રામચંદ્રજી ભગવાનનું મંદિર ભવ્યાથી ભવ્ય થાય એટલા માટે એ લોકો આવ્યા હતા, અને માતાજીનું અહીંયાથી અમે બધાએ એમને બધી પૂજા કરી, પૂજા અર્ચન કરી અને વિધિપૂર્વક એમને કળશ અર્પણ કર્યા છે। જય શ્રી અંબે, જય શ્રી રામ। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા દેશભરમાં अयोध्या मंदिर ने ध्यान में राखी ने छेल्ला 500 वर्षना संघर्ष बाद 4 लाख की वधारे लोकोना बलिदान पछी अयोध्या में भव्य मंदिर बनवानो मार्ग प्रशस्त थयो छे। हिंदू समाजनो गत 9 नवेम्बर दिवसे विजय थयो छे। ए अंतर्गत आ अयोध्यानुं रामजी मंदिर छे संपूर्ण देशनुं एटले राष्ट्र मंदिर बने ए कल्पनाथी देशभरना पवित्र तीर्थस्थानोनी माटी तथा पवित्र नदीनु जल एकत्र करवानो विश्व हिंदू परिषदनो कार्यक्रम चाली रह्यो छे। ए अंतर्गत आ शक्तिपीठ देवस्थान महारासुरी अंबाजी माताना स्थानमां ज्यां भगवान रामे पण रावणनो वध करवा माटे बाण धारण करीधुं एवा स्थानथी शक्तिपीठ आपणने पवित्र माटी अने एना संगमनुं पवित्र जल अहींथी प्राप्त थयेल छे। ए जल थकी अयोध्यामां पायामां एना माटी अने પાણીનો જળાભિષેક કરીને રાષ્ટ્ર મંદિરના નિર્માણમાં આ મંદિરનો પણ સહયોગ છે એ અંતર્ગત આજનો કાર્યક્રમ હતો। જય શ્રી રામ। રાજેશ પટેલ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ પ્રાંત સંગઠન મંત્રી।
संभाग के बिलवाड़ा में बुधवार को डॉक्टर्स डे के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कोरोना वायरस की जंग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों और प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उन्हें शॉल उड़ाई और गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। सम्मान समारोह के उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेश पोरवाल, डॉक्टर राधेश्याम ठाकर, जिला IMA के सचिव डॉक्टर महेश गर्ग, डॉक्टर कुलदीप नाथावत, डॉक्टर गौरव मिश्रा उपस्थित रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कहा कि डॉक्टर्स डे के अवसर पर हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण किया है, इसके साथ ही कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय पर भी अच्छा कार्य करने वाले कोरोना योद्धा पुलिस अधीक्षक हरेंद्र महावर, ASP गजेंद्र जोधा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राकेश कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी नंद किशोर राजौरा, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र नंदा, CMHO डॉक्टर मुस्ताक खान, हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गोड़ और RCHO डॉक्टर CP गोस्वामी का भी सम्मान किया गया। परंतु COVID-19 की महामारी को देखते हुए हम कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाए, परंतु हमारे सभी चिकित्सा संस्थानों व चिकित्सकों के आवास पे सभी चिकित्सकों ने वृक्षारोपण करके देश के वृक्षारोपण में पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता का संदेश दिया। कोरोना काल में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, जिनमें सभी पुलिस प्रशासन व मेडिकल के हमारे सीनियर प्रशासनिक अधिकारी, इन सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया और कार्य कर रहे हैं। अतः उन लोगों को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं CMHO, CMO साहब, डिप्टी CMHO, RRT प्रभारी और डॉक्टर CP गोस्वामी और प्रिंसिपल साहब, इन सभी को हमने सम्मानित किया। उदयपुर की सेंट्रल जेल के अधीन आने वाली प्रतापगढ़ जेल में एक साथ 26 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। यही नहीं, उदयपुर जेल प्रशासन द्वारा भी कोरोना को लेकर इतनी सावधानी बरतते हुए भी प्रतापगढ़ जेल के कैदियों में कोरोना पॉजिटिव कैसे आया, इसकी जांच भी की जा रही है। इसके अलावा प्रतापगढ़ जेल में कैदियों में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उदयपुर जेल में भी सतर्कता को बढ़ा दी गई है। उप अधीक्षक मानसी बारड़ ने साफ किया है कि जेल में अलग अलग बैरक में दिन में 3 बार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। जेल प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है ताकि लोग बाहर के संपर्क में ना आ सके। साथ ही मेडिकल टीमों द्वारा समय समय पर कैदियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही जेल परिसर में भी अति आवश्यक कार्य से ही आने वाले व्यक्तियों को प्रवेश दिया जा रहा है। प्रशासन की ओर से पुलिस अधिकारियों को भी जेल में भेजे जाने वाले कैदियों की पुख्ता मेडिकल जांच कराने के बाद ही जेल में भेजने के लिए कहा गया है। सर देखिए, जब से ये कोरोना का महामारी का मामला शुरू हुआ है, तब से हम इसके प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए थे और हमने इसके लिए 3-4 लेयर्स बना रखी हैं जेल में। वो लेयर्स स्क्रीनिंग से लेके और एंड तक हम इसमें इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएँ रखते हैं कि किसी भी तरह से हम इसमें कोरोना के चक्रव्यूह में नहीं फंसे। सबसे पहले हमने माननीय न्यायालय को लिख के ये आदेश करवाए हैं पुलिस के लिए कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति हमारे जेल में दाखिल ना हो। हमने आदेश जो कि न्यायालय के थ्रू हुए हैं उसमें ये करवाया है कि जब तक इसकी पॉजिटिव या नेगेटिव की रिपोर्ट नहीं आ जाए किसी भी आने वाली नई आमद की JC के लिए, तब तक हम उसको जेल में दाखिल नहीं करते हैं। और MP अस्पताल में उसके लिए एक कोरोना वार्ड बनवाया, सेपरेट वार्ड बनाया है जिसमें रिपोर्ट आने तक पुलिस उस व्यक्ति को रखती है, उसके बाद हम उसको जेल में JC करते हैं। आते ही सबसे पहले हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखे हैं 2-3, जिनमें 7 दिन 21 दिन का हम 14 दिन 7, 14 और 21 दिन के क्वारंटाइन रखते हैं। उसके बाद उसको सामान्य कैदियों में मिलने के लिए व्यवस्था है। हमारे डॉक्टर्स हैं जो कि नेगेटिव आने के बावजूद उसकी दिन में 2 बार, प्रत्येक नए आए कैदी की दिन में 2 बार स्क्रीनिंग करते हैं। कोई भी नया आया कैदी अगले कम से कम 21 दिन तक पुराने कैदियों से ना मिले, ये हमारा सबसे मुख्य प्रयोजन रहता है। फिर जगह जगह हमने सैनिटाइजर, हैंड वॉश, इस तरह की व्यवस्थाएं की है ताकि किसी भी आने वाले
हमारे स्टाफ से भी कोई संक्रमित ना हो पाए, ये व्यवस्थाएं। अब किस तरह का अलर्ट है, क्योंकि प्रतापगढ़ में इस तरह का मामला सामने आया, आज किस तरह का अलर्ट किया? प्रतापगढ़ जो कि हमारी ही एक जेल है, हमारे एसी सेंटर जेल की है, हमारी मंडल की जेल है, उसमें जब इस तरह के 26 पॉजिटिव आए हैं तो हमें भी बड़ा ताजुब हुआ इस चीज़ का कि इतने एहतियात बरतते हुए उन लोगों ने कहाँ चूक हुई है, किस स्तर पर चूक हुई है, वो भी एक जांच का विषय है, उसे भी देखा जाएगा। किंतु वहाँ से जब पॉजिटिव इतने लोग निकले हैं तो हमने और ज़्यादा सतर्क रख लिया है, हमने पूरे स्टाफ की छुट्टियाँ हमारी बंद की हैं ताकि कोई भी स्टाफ किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क में ना आ पाए। फिर हमारे मुख्य द्वार को भी हमने इसके बाद सील करवा दिया है, सील इन द सेंस कि बहुत ही एसेंशियल होने पे ही किसी व्यक्ति को जो कि प्राइवेट हो या किसी अन्य कार्य से आ रहा हो उसको हम प्रवेश दे रहे हैं, और आने वाली प्रत्येक नई आमद को जो कि हमने पहले व्यवस्था की हुई थी उसको बिल्कुल सख्ती से फिर से लागू कर दिया है, और अंदर भी पूरे चार चौबंद व्यवस्थाएँ की गई हैं, आइसोलेशन वार्ड की हो चाहे वो सैनिटाइजर की हो, चाहे जो कि हम दिन में 2-3 बार सैनिटाइज करवाते हैं पूरी जेल को, वो हमने और अच्छे से करवा दिया। विद्याभवन पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय में इस साल की गई फीस वृद्धि के विरोध में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा और इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ सोनी का कहना है कि हर साल फीस में बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के संकट के चलते कई लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, अतः इस साल फीस वृद्धि नहीं करके पुरानी फीस के अनुरूप ही छात्रों को एडमिशन दिया जाए। सोनी ने बताया कि इस बार फीस में 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके चलते सेवा दल इसका पुरजोर विरोध करता है, साथ ही मांग करता है कि कॉलेज प्रशासन छात्रों की परेशानी को समझते हुए फीस बढ़ोतरी में फिर से कमी करे। आज जो अभी स्कूलों में जो फीस बढ़ोतरी की मांग को लेकर हम कांग्रेस सेवा दल की तरफ से विद्याभवन स्कूल गए थे, और जो पहले नर्सरी की 13,000 फीस थी उसे बढ़ाकर 18,000 कर दी गई और 4,000 एडमिशन फीस अलग है, तो टोटल 22,000 का जो इन्होंने आंकड़ा दिया है वो अभी कोविड के हिसाब से जो अभी 4 महीने से लोगों के पास व्यवसाय नहीं था उसको लेकर उसको मद्देनजर रखते हुए हम फीस को ना बढ़ाए, उस वजह से हमारी मांग रखने गए थे। इसके बाद हम कलेक्टर के पास भी जाएंगे, कलेक्टर मैडम के पास भी जाएंगे, तो उनको भी हम ज्ञापन लेंगे, और इसको मद्देनजर सारे जितने भी स्कूल हैं और उनको अपनी फीस की बढ़ोतरी नहीं करें इस समय, क्योंकि इस समय जनता की बहुत सारी परेशानियां हैं, व्यवसाय नहीं चल रहे हैं, धंधे नहीं चल रहे हैं, तो उस वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, और अगर इस पैसे के नहीं होने के कारण वो अगर शिक्षा से अछूते रहेंगे तो इस समय स्कूलों को जहां अभिभावकों को दिक्कत हो रही है तो इस समय फीस की बढ़ोतरी नहीं है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की खास हेडलाइंस पर। बाड़े में छिपे 2 कुख्यात अपराधियों को कपासन पुलिस ने दबोचा। हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों में कर चुके हैं वारदातें, कई मामलों में वांछित चल रहे थे ये बदमाश। पैंथर गैंग के 2 बदमाशों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद गोर्धन विलास थाने में फैली सनसनी। 9 पुलिस कर्मियों के लिए सैंपल, सभी हुए क्वारंटाइन। श्वेतांबर जैन मुनि और साध्वी सदियों से पहनते हैं मास्क और चतुर्मास में रहते हैं क्वारंटीन। जीव हत्या और जीवाणु के शरीर में प्रवेश को रोकना ही रहा था उद्देश्य। एकलिंगर छावनी की पहाड़ी पर मिला 3 दिन से लापता वृद्ध का अजला शव। साइकिल और पर्स नहीं मिलने से लग रहा है हत्या का अंदेशा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी पुष्टि। और स्मार्ट सिटी की भेड़चाल से परेशान बापू बाजार व्यापार संघ ने रुकवाया काम। अधिकारियों ने की आखिरी अपील, और दे 2-3 दिन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। डीजे इजाजत निशा राठौड़ को, आप बने रहिए उदयपुर न्यूज पर। नमस्कार।